तो दोस्तों सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक नए वीडियो में। और पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि काफ़ी टाइम बाद ये आपकी और आपने ये मेरी न्यू जैकेट तो देख ही ली रहेगी राइनॉक्स की, जो कि एक नंबर है। मतलब मैं सुबह से जब से राइड पे निकला हूँ मुझे एकदम कंफर्टेबल लग रही है। मैंने एक साइज बड़ा ही लिया है एक्सेल, मेरे को एल आ रहा था पर मैंने एक्सेल लिया क्योंकि मुझे एकदम कंफर्टेबल रहना था इसमें। एकदम हाथ भी सब कुछ ऊपर हो रहा है, तो छोड़ो इसके बारे में तो बात होती ही रहेगी। तो मैं कहाँ पर था, हाँ मैं सुबह उठा हूँ 5 बजे। तो 5 बजे समीर ने कॉल किया है और बोलता है कि हम लोग पहुँच गए, तू आए नहीं अभी तक। तो मैं उठा और उठने के बाद क्या सीन हुआ है मेरे साथ कि सबसे पहला टास्क कि मेरे को सब चीज़ फटाफट करना था। तो मैं उठते ही सबसे पहले नहाने गया और गर्म पानी तो कर नहीं सकता क्योंकि लेट हो जाता, तो ठंडे पानी से नहा के मेरी आत्मा तक जाग गई ऐसा लगा मुझे, क्योंकि ठंडी का मौसम है। तो फिर मैं फटफट कैसे भी करके पहुंचा पेट्रोल पंप, पेट्रोल डाला क्योंकि पेट्रोल पंप के पास ही मिल रहे थे। तो उसके बाद भाई लोग मिले, देन हम लोग वहाँ से निकले। अभी डायरेक्ट रुके हैं वो चाय पीने के बाद एरोप्लेन वाले जगह पे, जहाँ मैं पिछले ब्लॉग में भी ला चुका हूँ, जो लोनावला जाते समय पड़ता है। तो कौन कौन हमारे साथ जा रहा है मैं आप लोग को उनसे मिलाता हूँ। तो यहाँ पर अपने भाई है, ये इनकी एनएस है। तो भाई आपका नाम? हाँ, तो भाई का एक यूट्यूब चैनल भी है तो भाई को भी जाके सब्सक्राइब करो। और ये हमारे समीर भाई जिन्होंने हमें सुबह 5 बजे उठाया, तो अपनी नींद खुली है। बट मैं तो 5 बजे उठा, मैं एकदम घाई घाई में सब कुछ किया भाई। और मैंने ये ब्लॉग में बोला भी है और आपको भी बता रहा हूँ कि सुबह मुझे ठंडे पानी से नहाना पड़ा और मेरी आत्मा तक जाग गई है। भाई आपका नाम? आमिर। हाँ, तो ये अपने आमिर भाई। तो अभी ये सबसे नया नया पहचान हो, तो बाद में एकदम हो ही जाएगा। वो तो अपना है कि एक बार मिलो फ्रेंडली, वो पता ही नहीं चलता कि पहली बार मिले। तो भाई आपका नाम? इनकी गाड़ी है जो कि बहुत ही खूबसूरत दिख रही है, एक नंबर। और भाई तो चले गए, ये अपनी गाड़ी है 220 देख लो एकदम फुल। उनने एक लाइट लगा दी है जो कि फुल पैसा वसूल लाइट है, 1500 रुपये में और क्या अच्छी। तो अभी कासिम का वेट कर रहे हैं, वो आगे चले गए थोड़ा। सो इतने बार्गेनिंग के बाद और इतने मशक्कत के बाद अंकल 200 रुपये में रेडी हुए। पहला अंकल सबसे 250 रुपया मांग रहे थे कि 250 रुपया दो पर बाइक का। अब इधर पे 1 2 3 4 5 6 7 बाइक, तो 250 के हिसाब से कितना हो जाता है। तो अपन भी इंडियंस है, बार्गेनिंग में अपन कैसा आगे है पता है ना। तो 200 रुपये में अपन ने मनाया अंकल को ये सारी गाड़ियों के लिए। तो चलो अंदर चलते हैं। क्या था? तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। सच नहीं बोलना था, झूठ बोलना था। ये फंस गया। हाँ मैंने तो बोल ब्लॉग में बताया कि तू रास्ता भटक गया था, आगे चले गया था। तो सीन कुछ ऐसे है कि गाड़ी पूरी सेट हो चुकी है हम लोग की यहाँ पर और काफी खूबसूरत दिख रहा है ये गाड़ियों को यहाँ पर रखने के लिए। और अपनी अपनी मतलब प्लेन के सामने अपनी प्लेन भी खड़ी है, तो अलग ही लुक आ रहा है। और वैसे ये जगह पे हम लोग आ चुके हैं पिछले पहले के वीडियो में, आप लोग देख सकते हैं। तो ज़्यादा कुछ बताऊंगा नहीं तो ब्लॉग लंबा होएगा। ऐसा कुछ सीन है, मतलब डेंजरस मशीनें और एक प्लेन, बहुत ही खूबसूरत। और अभी आते हैं मुद्दे की बात पे, हम लोग जा कहाँ रहे हैं। तो हम लोग जा रहे हैं नेकलेस पॉइंट जो कि पुणे के साइड ही है।
ये बंदा कम से कम 2500 फोटो खिंचाता है, उसमें से डालता है एक भी नहीं। क्यों भाई इतनी फोटो क्यों खिंचाता है? दो तीन डाल लेता हूं एडिट करके। नहीं मेरे को तो नहीं दिखती है, ऑप्शंस के लिए रखता हूं। अरे भाई ये अलग ही सीन चालू है यहाँ पर। मोहब्बत लड़कों लड़कों की ना मतलब मशीन से एक अलग ही लगाव रहता है। ये लगाओ सिर्फ लड़कों को ही समझ में आ सकता है और किसी को नहीं। सिर्फ गाड़ियों पे नहीं, नहीं ब्रो हर चीज पे, गाड़ियों पे भी भरोसा नहीं किया जा सकता। हर चीज का मतलब सीन रहता ही है कुछ ना कुछ। तो दोस्तों अभी यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं नेकलेस पॉइंट के लिए, और अगर बीच में कहीं रुकेंगे कुछ खाने के लिए तो आपको दिखा दूंगा। तो चलो यहाँ से निकलते हैं, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अभी हम लोग रुके हुए हैं अपनी फेवरेट जगह पे, मतलब लोनावला घाट चढ़ने से पहले ही एक वड़ा पाव की दुकान आती है, इसका नाम है निसर्ग निसर्ग स्टंक्स ऐसे कुछ नाम है। क्या बोला तूने? तो यहाँ पर रुके वड़ा पाव बहुत टेस्टी मिलता है, इसके लिए मैं जब भी लोनावला से कहीं भी जाता पुणे लोनावला से यहाँ पर रुकता वड़ा पाव खाने। तो चलो खाते। तो यहाँ पर अपना वड़ा पाव आ गया है, देखो कितना टेस्टी दिख रहा है। तो आप लोगों के मुंह में पानी आ रहा रहेगा तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि ये मेरे पेट में जाने वाला है। तो अभी वड़ा पाव एंजॉय करते हैं, देन यहाँ से निकलते हैं। ठंडी और चाय ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है ना वो बहुत ही आतंक और जहर और सख, मतलब डायलॉग का जहर नहीं, बहुत ही अच्छा होता है। तो अभी हम लोग चाय पी रहे हैं, हर कोई चाय पी रहा है। तो मैं एक बात बोल रहा था, बोलो ना भाई। मैं बोल रहा था ठंडी और जो चाय का कॉम्बिनेशन है ना एक नंबर है भाई। और राइड का भी घुट मारने के मुझे आवाज निकलती ना हाँ, ये अंदर जाती है ना ऐसा फील होती है पूरा ठंडी में। तो चलो अभी चाय पीते हैं। तो ऐसा बहुत ही कम ही होता है। तो यहाँ पर हो चुका है एक शॉट, और हमारा जो एक भाई है उसकी गाड़ी हो चुकी है बंद। तो लगभग आधे घंटे से हम लोग यहाँ परेशान हैं, और बाजू में अच्छा मैकेनिक था तो मिल गया, लोनावला के पास भी है। तो अभी उसकी गाड़ी बनवा रहे, फिर देन यहाँ से निकलेंगे। देखो कितना टाइम लगता। यहाँ पर अपने समीर भाई परेशान होते हुए, क्या हुआ भाई गाड़ी को? कुछ नहीं भाई, चूहे खांसी जुकाम, चूहे लोगों ने वायर काट दिए थे तो सर्दी की दवा देने लगे। चूहे लोगों क्या, चूहे लोगों क्या जगह नहीं मिलती, कहीं भी घुस जाते चूहे लोग का भाई, कहीं नहीं रोक सकते उन लोगों को, गाली भी नहीं दे सकते। मुंबई के चूहे वाले मैंने कहा भड़क जाते, मुंबई के भाई लोग। यहाँ पर कासिम के दोस्त लोग ने समीर की गाड़ी का वायर काट दिया। कह रहे भाई तेरे तेरे दोस्त लोग को समझाना काई के लिए वायर वीर काट देते हैं। अभी नहीं काटेंगे किसी ने, वहाँ बारिश में उसके बाहर काटेंगे। गजब बेइज्जती है। अरे भाई चलता है इसके लिए, चार चूहे छोड़ के गया है वो तुम्हारे गाड़ी के पास। हाँ अभी कहा तो भी बिजी हो गया। तो दोस्तों फाइनली 2 घंटे के बाद भाई की गाड़ी बनी। वो बंदे ने कैसा भी जुगाड़ उगाड़ करके गाड़ी बनाया, पर एटलीस्ट बन तो गई। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से लोनावला से, और लगभग 103 किलोमीटर और है जहाँ हम जा रहे हैं। और हम लोग जा रहे हैं नेकलेस पॉइंट। नेकलेस पॉइंट मुंबई से टोटल 194 किलोमीटर है। राइडिंग करते हैं ऐसा ट्रैवल करते हैं उनके लिए ठंडी का मौसम बहुत सही रहता है राइडिंग करने के लिए, और एकदम ठंडा रहता है ना ज़्यादा धूप, और जैसा गर्मी में कैसा होता है चिड़चिड़ हो जाता है, बारिश में भी चिड़चिड़ हो जाता है इंसान, वैसा कुछ सीन नहीं रहता है। वो कासिम भी आ गया,
चल भाई चले जा तू ही आगे। और ये रास्ता देख के मुझे ना अजमेर वाली ट्रिप और यूपी वाली ट्रिप की याद आ गई, क्योंकि यही रास्ते से हम अजमेर भी गए थे, सॉरी अजमेर गए नहीं थे, अजमेर से आए थे और ये रास्ते से हम यूपी गए थे, तो पुरानी यादें ताजा हो गई हैं। खेड़ शिवापुर पहुंच चुके हैं, यहीं पर कमर अली दरवेश की दरगाह भी है जो कि हम लोग आए थे यहाँ पर, जैसे कि आपने वो ब्लॉग में देखा रहेगा, तो और जिसने नहीं देखा है जाके देख सकता है, बहुत ही अच्छा ब्लॉग है वो कमर अली दरवेश दरगाह का। तो कि मुझे एकदम गांव की याद आ गई, एकदम गांव जैसा रास्ता है गाँव। फाइनली हम लोग नेकलेस पॉइंट पहुँचने वाले, एक मिनट दिखा रहा है 600। सो फाइनली वी आर इन नेकलेस पॉइंट। तो इतना मेहनत करके जो हम लोग आए हैं इतनी दूर से 194 किलोमीटर से, तो उसका इंतज़ार ख़त्म होता है और दिल थाम के बैठना, क्योंकि ये जगह बहुत ही सही दिख रही है, बारिश में तो और सही दिखती रहेगी। तो चलो देखो, देखना है कि नहीं, तैयार हो गए नहीं? तैयार है, चलो घुमाने वाले हैं। ये देखो, ओह माय गॉड, ये पूरा नेकलेस की शेप में, इसलिए इसको नेकलेस पॉइंट बोलते हैं। तो बारिश में ये और भी खूबसूरत दिखता रहेगा। ये देखो एकदम नेकलेस के शेप में, तो वसूल बोले नहीं, वसूल हो ही गया, इतना दूर आना वसूल हो गया। और यहाँ पर हम लोग की गाड़ी खड़ी है, ये देखो सबकी। और इसका जो हीरा है वो मैं हूँ इस नेकलेस पॉइंट का, तो जिसको ये नेकलेस चाहिए मेरे पास आके मिल सकता है। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह से। जोक सपाटा, मस्ती में सही दिख रहा है ठीक है, बट अभी ये टाइम क्या, दोपहर का टाइम है तो बहुत ज्यादा धूप मार रहा है, ऐसा लग रहा है कि ना चटके लग रहे, चटके। हाँ। जैकेट पहना तो गर्म भी लगा, थोड़ा शायद से इवनिंग में थोड़ा ठंडा माहौल हो जाएगा, तो, बट बहुत खूबसूरत लगेगा। अभी थोड़े हम लोग फोटोज लेंगे, थंबनेल लेंगे, तो बन गया तो कहना। भाई पेशाब करने कूदेगा इतना नीचे, हड्डी भी नहीं मिलेगी। हाँ मिल जाएगी, पर कूद मत तू। और दोस्तों हम लोग जब आए थे तो कोई भी नहीं था, एकदम खाली थी ये जगह, तो हम लोग ने बहुत अच्छी अच्छी फोटो ले ली। तो और पब्लिक अभी देखो बढ़ गई है, तो अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे और पीछे देखो प्री वेडिंग शूटिंग भी हो रही है, तो अगर किसी को प्री वेडिंग शूटिंग भी कराना रहेगा तो ये प्लेस पे आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर फ़ोटोज़ बहुत अच्छी अच्छी आती है, शाम को भी मोस्टली शाम को ही फ़ोटोज़ खींच सकते हैं आके। तो चलो निकलते अपने दूसरी डेस्टिनेशन पर अगर नज़दीक हुई तो। अभी हम लोग नेकलेस पॉइंट से निकल गए, हाईवे की साइड आए, मतलब अब घर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि डैम का हम लोग ने पता किया बहुत काफ़ी दूर है, 34 किलोमीटर है, तो वहाँ जाने के लिए 1 घंटा, आने के लिए 1 घंटा, फिर उधर 1 घंटा टाइम पास फ़ोटो वेटो, तो बहुत टाइम हो जाता हम लोग को, जाने के लिए बहुत लेट हो जाता, तो हम लोग ने वो प्लान कैंसिल किया। और अभी हम लोग रेस्टोरेंट में आए हुए हैं, यहाँ पर रियल फैमिली रेस्टोरेंट, तो सुबह से कोई किसी ने कुछ खाया नहीं था, वही वड़ा पाव खाया था जो खाया था, तो यहाँ पर खाना खाएंगे, यहाँ से निकलेंगे घर के। तो
चलो यहाँ पब्लिक देखो कैसी है, पब्लिक है ये सब खाने के ऑर्डर देने वाले अभी सब पब्लिक। सिम्ब्रो कौन सा वो टाइप है ना, कितने फॉलोवर्स थे? 50 फॉलोवर है पर कभी कमेंट नहीं किया ना, सही बोलेगा। पी के हो गया मस्त, पेट सबका भर चुका है, तो अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और सीधा रुकेंगे लोनावला के साथ। तो ये देखो सामने गाड़ी खड़ी है, सामने क्यों खड़ी थी क्योंकि हम लोग को खाते समय गाड़ी देखना था, कोई उंगली ना करे उसके लिए सामने खड़ा किया था। तो चलो हम निकलते हैं यहाँ से। के भाई ले कौन है सा, हेलमेट देखो कितना खतरनाक है, देख रहे हो कितना खतरनाक हेलमेट पहना है इसने। चलो अच्छा है, कूल दिख रहा है पर बैल जैसा दिख रहा है तुम, क्योंकि उसका बदन भी वैसा और हेलमेट भी बैल वाला है। तो फाइनली हम लोग लोनावला पहुंच चुके हैं और ये ट्रिप की ये लास्ट है, मतलब इस ट्रिप की, नेक्स्ट ट्रिप में पियेंगे। तो ये ले लो सब जा। तो इस ब्लॉग को यहीं पे खत्म कर दें, अब मिलेंगे इसी तरह किसी नए वीडियो पे साथ।